इंदौर में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चौहित्राम स्थित शराब दुकान का है, जहां देर रात शराब दुकान पर शराब लेने पहुंची महिला बैंक कर्मचारी के साथ दो शराबियों ने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की। इतना ही नहीं, उसे जबरदस्ती कार में बैठाने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दोनों बदमाश महिला का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। फरियादियाँ थाने पर उपस्थित हुई थी। उन्होंने बताया कि चौहित्राम की जो कलाली है, वहाँ वो शाम को रात में जब शराब लेने के लिए गई तो चूंकि कलाली बंद हो रही थी तो उन्हें मिली नहीं। तो जब वो लौटने लगी तो पीछे खड़े कुछ लोगों ने उन पर कुछ अश्लील फक्तियाँ कसी और उन पर अश्लील हरकतें करी। और वो जब अपनी गाड़ी पर आई तो वहाँ कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और वो लोग लड़के गाड़ी में उनके बैठ गए। उस इस दौरान उनका कहीं मोबाइल भी मिस हुआ है। इन संबंधित घटना के पर जिस प्रकार की अश्लील फक्तियाँ उन पर कसी गई उस पर कायमी की गई है, विवेचना जारी है।